नमस्कार शेफ रोबिन किचन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे समोसा। समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे पुटली समोसा। तो ज़्यादा समय और बात करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं एक डिप बॉल ले लेंगे, उसमें मैं एक कटोरी मैदा डालूंगा और हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच अजवाइन, इसको मैं हाथ से क्रश करके डालूंगा, और 2 टीस्पून में घी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप देखिए डो आपका ऐसे बनना चाहिए, इसका मतलब हमने मोए बिल्कुल सही डाला है। मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक डो लगा लूँगा। डो हमारा तैयार है, अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हमने एक पैन ले लिया है, सबसे पहले हम उसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे, जीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जो मैं हाथ से क्रश करके डालूंगा, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हम ये डालेंगे अब इसमें, मैंने इनको हाथ से मैश कर लिया है, और ये कुछ मटर है ये मैं डालूंगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारे समोसे की स्टफिंग तैयार हो गई है। धनिया पाउडर डालूंगा इसमें, मैं इसमें हरा धनिया डाल रहा हूँ थोड़ा। ये स्टफिंग हमारी तैयार है। हम दो को एक बार अच्छे से और मल लेंगे, इसको बेल लेंगे। ये हमारी चपाती है, इसमें हम थोड़ी स्टफिंग भरेंगे बीच में, और साइडों से मैं हल्का सा पानी लगाऊंगा और इसको चारों तरफ से दबा दूंगा इस तरीके से, देखिए आप। और इसको दबाने के बाद हम पोटली का शेप दे देंगे, और आप देखिए हमारी पोटली तैयार है। समोसा पोटली हमारी तैयार है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। घी हमने गर्म कर लिया, अब हम इसमें अपने मसाला पोटली डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे डीप फ्राई कर लेंगे। पोटली समोसे हमारे तैयार है, आप इनको ज़रूर बनाइए, सबको खिलाइए। मैंने बच्चों के लिए बनाया है स्पेशली, तो मैंने इसमें लाल मिर्ची हरी मिर्ची कुछ नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।